जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्मार्ट साइंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मदन धाकड़। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड यानी रक्त, ठीक है, जिसे आप लहू बोल सकते हैं, जिसे खून भी बोला जाता है। ब्लड के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, ब्लड क्या है? तो पहली बात हो जाती है, सर ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है मतलब एक टिश्यू है, एक ऊतक है। ऊतक यानी होता है कोशिकाओं का गुच्छा, यानी बहुत सारी जब कोशिका मिल जाती है तो जो संरचना बनती है उसे ऊतक बोलते हैं। संयोजी यानी जोड़ने वाला, और तरल यानी लिक्विड। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी बात करें दोस्तों ब्लड के बारे में, तो ब्लड इन ह्यूमन, या ब्लड इन ह्यूमन की बात करें या मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य में हम बात करेंगे, पुरुष की बात करते हैं, पुरुष में जो ब्लड की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में ब्लड की बात करते हैं तो वो होती है 4.5 से 5.5 लीटर तक होती है। पुरुष की कंपेरेटिवली महिलाओं में ब्लड की मात्रा थोड़ी सी कम होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्लड का पीएच, ब्लड का पीएच यानी वो किस तरह का है। तो आप बोलेंगे, सर ब्लड का पीएच 7.4 होता है, अर्थात ब्लड हल्का सा क्षारीय है। ब्लड हल्का क्षारीय है, हल्का क्षारीय यानी थोड़ा थोड़ा सा कड़वा लगता है। तो ब्लड एक हल्का क्षारीय है और इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अगली बात करें तो सर ब्लड एक कोलाइडी विलयन है। ब्लड क्या है? ब्लड एक कोलाइडी विलयन है। दोस्तों, कोलाइडी विलयन उसे कहते हैं जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होते हैं। ऐसे कणों वाले विलयन को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो ब्लड क्या है, रक्त क्या है, कैसा विलयन है? ब्लड एक कोलाइडी विलयन है। आगे बात करते हैं ब्लड की मात्रा बॉडी वेट यानी शरीर के वजन की, बॉडी वेट के 7% होती है। 7% होता है जो ब्लड है किसके शरीर में कितनी मात्रा में होगा, तो जिस भी इंसान का जितना वजन होगा उस वजन के 7% हिस्से में क्या होगा? ब्लड होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं ब्लड की उत्पत्ति। दोस्तों, ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आप बोलेंगे, ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण यानी एम्ब्रियो, भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। भ्रूण की उत्पत्ति कैसे होती है? तो आपका जवाब रहेगा, सर ब्लड की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर, हम बात कर रहे थे ब्लड के बारे में, तो ब्लड क्या है? तो दोस्तों, आपने बोला सर ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में जब हम पुरुष की बात करते हैं तो कितना ब्लड होता है? लगभग 5 से 6 लीटर, और महिलाओं की बात करें तो 4.5 से 5.5 लीटर। और अगर पीएच की बात करें यानी माध्यम कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 7.4 पीएच है, अर्थात मनुष्य के रक्त का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, यानी माध्यम हल्का क्षारीय है। ब्लड कैसा विलयन है? तो आप बोलेंगे ब्लड एक कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी विलयन ऐसे विलयन को कहा जाता है जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, और ब्लड की मात्रा किसी भी शरीर के वजन के 7% होती है। और ब्लड की उत्पत्ति कब कहाँ से होती है? तो जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है,
उसके मीजोडर्म से होती है। दोस्तों इतना इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लड का रंग कैसा होता है? ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्लड का रंग लाल होता है, और लाल रंग का कारण बताइए, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। तो पहले हम बोल सकते हैं ब्लड का अध्ययन, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग बताइए ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे सर हीमेटोलॉजी, ही में टो लॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। दूसरी बात बन जाती है ब्लड का रंग, ब्लड यानी खून का रंग, रक्त का रंग, ब्लड का रंग, ब्लड का रंग कैसा होता है? तो आप बोलेंगे लाल रंग। ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल रंग। और लाल रंग होने का कारण क्या है? क्या कारण है कि ब्लड का रंग लाल होता है? तो आप बोलेंगे हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। ब्लड में किसकी उपस्थिति होती है? हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, अगर प्रश्न ये बन जाता है कि हाँ हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का अगर रंग देखा जाए तो हीमोग्लोबिन खुद एक बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? हीमोग्लोबिन खुद एक बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन खुद एक बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप बोलेंगे यह एक जटिल प्रोटीन है, यह एक जटिल प्रोटीन है, यह क्या है? एक जटिल प्रोटीन है। दूसरी बात करते हैं, इसके अलावा हीमोग्लोबिन एक श्वसनकारी एंजाइम है, यानी श्वसन एंजाइम नहीं बोल सकते, श्वसन वर्णक है। क्या है? श्वसन वर्णक। श्वसन वर्णक को लिखा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या लिखा जाता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ब्लड एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, श्वसन वर्णक है। ठीक है, और यह क्या है? यह एक जटिल प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, कौन कौन सी होती है? हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी दो चीजें होती है? एक होता है हीम, दूसरा होता है ग्लोबिन। और ग्लोबिन क्या होता है? तो प्रोटीन। तो कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कैसी प्रोटीन होती है, तो आपका जवाब होगा कि ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीम एक हीमोग्लोबिन में उपस्थित चीज है, आप ये बोल सकते हैं वर्णक, एक हीम उपस्थित होता है, और हीम के अंदर होता है आयरन। क्या उपस्थित होता है दोस्तों? आयरन। हीम के अंदर क्या उपस्थित होता है? आयरन। आयरन को बोलता है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में दो चीजें होती है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और हीम के अंदर क्या उपस्थित होता है? आयरन। और यही आयरन किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से जुड़ता है, और हमारा बना जाता है ऑक्सीजन प्लस हमारा बन जाता है हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, तो बाहर से आने वाली हीमोग्लोबिन, बाहर से आने वाली ऑक्सीजन को किससे जुड़ती है? तो आप बोलेंगे हीम से जुड़ती है, अर्थात हीम के अंदर जो आयरन होता है उससे जुड़ती है हमारी ऑक्सीजन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, ब्लड का रंग लाल होता है, और लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है, और हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो बैंगनी। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक जटिल प्रोटीन होता है। दोस्तों इसे जटिल प्रोटीन नाम इसलिए दिया गया है कि यदि प्रोटीन के साथ कोई अन्य प्रकार का अणु जुड़ा रहता है तो ऐसी प्रोटीन को जटिल प्रोटीन नाम दिया गया है। और इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी श्वसन वर्णक।
आँखें। क्यों दोस्तों? श्वसन की विधि के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? हीमोग्लोबिन। इस वजह से यह एक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन में दो चीज़ होती है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, अर्थात हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन मौजूद रहती है और हीम के अंदर आयरन उपस्थित रहता है जो वायुमंडल से आने वाले ऑक्सीजन को पकड़ करके विभिन्न अंगों तक लेके जाता है। इतना लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। चल दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे ब्लड की, या आप बोल सकते हैं रक्त। दोस्तों रक्त दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। आप बोलेंगे कौन सा, तो मैं बोलूंगा शुद्ध रक्त और दूसरा होता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहा जाता है प्योर ब्लड और अशुद्ध रक्त को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो शुद्ध रक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। जिस भी रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है ये सब ब्लड क्या कहलाता है? शुद्ध रक्त कहलाता है। और अशुद्ध रक्त क्या होता है? कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। अब शुद्ध रक्त हुआ कैसे? ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ गई, हीमोग्लोबिन का सिंबल होता है HB, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से जुड़ गई तो हमारा बना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन से ऑक्सी और हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, तो जब रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है ऑक्सीजन से तो ऐसा रक्त ऑक्सीहीमोग्लोबिन रक्त कहलाता है। और ऑक्सीहीमोग्लोबिन रक्त ही किस रंग का होता है? लाल रंग का। कैसा रंग का होता है? लाल रंग का। अर्थात शुद्ध रक्त किस रंग का होता है? रेड कलर, लाल रंग का होता है। तो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर एक अस्थायी यौगिक बना लेती है, जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त। ऐसे रक्त को क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त। और ऐसा रक्त कैसा होता है? लाल। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला रक्त ही कहलाता है आपका शुद्ध रक्त। और यहाँ की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो किसकी मात्रा ज़्यादा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो हमारे अंग है, अंगों में जब श्वसन की प्रोसेस होती है तो श्वसन की प्रोसेस या श्वसन की क्रियाविधि के पश्चात जो गैस मुक्त होती है उसका नाम होता है CO2। तो हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाता है? CO2 से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब बाहर से हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम बाहर से प्रदूषण में जाते हैं तो हीमोग्लोबिन से और क्या जुड़ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ती है तो एक अस्थायी यौगिक बनता है और उसका नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो ये बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दोस्तों ये दोनों ही परिस्थिति में हमारा रक्त कैसा होता है? अशुद्ध होता है। दोनों ही परिस्थिति में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इन दोनों ही परिस्थिति में हमारा ब्लड कैसा होता है? अशुद्ध होता है। और अशुद्ध ब्लड का रंग कैसा होता है? अशुद्ध ब्लड का रंग कैसा होता है? तो आप बोल देना दोस्तों गहरा नीला। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध ब्लड का रंग होता है गहरा नीला होता है।
ठीक है दोस्तों, चलिए आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्लड दो प्रकार का, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। अशुद्ध ब्लड का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। शुद्ध ब्लड क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, अशुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम। शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा अर्थात शरीर के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, तो जो एक अस्थायी यौगिक बनता है उसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन रक्त, और ऐसा रक्त शुद्ध रक्त कहलाता है और उसका रंग होता है लाल। और यहाँ पर हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली श्वसन की विधि क्रियाविधि के पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो हीमोग्लोबिन के साथ एक अस्थायी यौगिक बनाती है, और ये कंपाउंड कहलाता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये एक अशुद्धि को शो करता है, और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बामिनो हीमोग्लोबिन अस्थायी यौगिक मौजूद हो उसका रंग कैसा होगा? गहरा नीला होता है। और कभी कभी हमारे शरीर में जब हम अंगीठी जलाकर रात में सो जाते हैं तो उस परिस्थिति में हमारे वो अंगीठी से एक जहरीली गैस निकलती है जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या, कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ स्थायी यौगिक बनाता है, और स्थायी यौगिक बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा ब्लड जो हो जाता है वो इम्प्योर हो जाता है, और हमारे हमें घुटन महसूस होती है, हमें गहरी नींद आती है, गहरी नींद आती है, आदमी सोते सोते ही मर जाता है, ठीक है, हमें घुटन महसूस होती है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को निंद्राकारी गैस कहा जाता है। कौन सी गैस कहा जाता है? निंद्राकारी गैस कहा जाता है, हमें नींद लाती है, गहरी नींद में पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, इसके आगे वाले पार्ट में हम ब्लड में उपस्थित जो चीज़ें होती है जैसे प्लाज्मा है और रुधिर कणिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, रुधिर कणिका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के बारे में, RBC, WBC, प्लेटलेट्स आदि विभिन्न प्रकार की कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस वजह से हम इसको यहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी भाई बहनों का दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।